2016 में जब PSL का पहला सीज़न था, और उसके बाद जब वापस आए तो हमारा पाकिस्तान कप हुआ था, उसमें मैं ड्राफ्ट में पिक हुआ था, और उधर से मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही। फिर मैं पाकिस्तान ए टीम के लिए सिलेक्ट हुआ, इंग्लैंड टूर पे गया, वहाँ परफॉर्मेंस हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जिम्बाब्वे टूर पे जब गया तो वापस आ रहे थे, तो उस टाइम 2017 का ड्राफ्ट हो रहा था PSL का, तो उसमें मैं सप्लीमेंट्री पिक हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो मुझे पता भी नहीं था कि सप्लीमेंट्री पिक टीम के साथ जाती भी है कि नहीं। तो मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया था कि यार आप लोग मुझे लेके जाएंगे साथ, तो वो कहते हैं नहीं जी साथ ही जाते हैं सप्लीमेंट्री पिक। जब मैं गया तो जब मैं जा भी रहा था, लेकिन मुझे खुद पर इतना यकीन था कि नहीं, क्योंकि क्योंकि मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो चुकी थी पाकिस्तान की तरफ से, कि नहीं मेरे में है इतना टैलेंट कि मैं इंशाल्लाह इसमें भी, और मैं अपने दोस्तों को ये बोल गया ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला और इंशाल्लाह मैं इसे वापस नहीं आऊँगा, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वापस नहीं गया। बहुत अहम किरदार है मेरी लाइफ में HPL PSL का, क्योंकि जब मैं इमर्जिंग प्लेयर आया था मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने PSL खेला और वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को बॉलिंग कराई, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को खेला, तो मुझे खुद पे भी ज़्यादा ट्रस्ट हुआ कि यार नहीं, सेल्फ बिलीव मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से 80-90% किरदार HPL PSL का। स्टारडम को मैं वैसे लेता हूँ जिस तरह मैं शुरू से था, मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि हम जिस तरह के बैकग्राउंड से आए थे, एक गांव में रहते थे, मेरी कोशिश भी वही होती है। अभी भी जब मैं घर भी जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नीचे ही सोता हूँ जो फ्लोर पे, कि मैं सिंपल रहूँ, चीज़ें चेंज ना करूँ, उसमें मैं रिलैक्स फील करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ मैं वैसे ही रहूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं वैसा रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है और मेरी ग्राउंड में परफॉर्मेंस अच्छी होती है। खुद से नहीं, मुझे टीम से है कि एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि क्योंकि हम लास्ट 2 ईयर से तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, तो वो जो एक राउंड रहता है वो कोशिश करेंगे वो पार करें और फाइनल खेलें और चैम्पियन बनने की कोशिश करें।